स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐसतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्गमा अमृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आज आपको अब आसन बताते हैं। दो तरह के आसन हैं, एक ध्यानात्मक आसन जिसका संकेत महर्षि पतंजलि ने किया, और दूसरे आसन हैं व्यायामात्मक आसन भी हैं, उपचारात्मक आसन भी हैं। जो महर्षि पतंजलि ने आसन की डेफिनेशन दी है वो ध्यानात्मक आसन ही है, लेकिन उस आसन में कब बैठ पाएंगे, जब हमारा शरीर पूर्ण निरोगी होगा। तो ये जो जितने भी आसन किए जा रहे हैं ये आसन की तैयारी है। आपसे कोई पूछे, महर्षि पतंजलि ने तो कहीं नहीं बताया वज्रासन करो, मंडूकासन करो, उष्ट्रासन करो, भुजंगासन करो, शीर्षासन करो, इसका संकेत महर्षि पतंजलि ने कतई नहीं किया है, फिर ये क्यों करते हैं? तो ये इसलिए करते हैं, ये सब आसन करके हम एक स्थिर सुखम आसनम, एक आसन में कितनी देर बैठना है, एक घंटे से 3 घंटे तक। तो 1 घंटे से 3 घंटे तक कौन बैठ पाएगा? जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा, जिसकी इंद्रियां विकार रहित होंगी, जिसका मन निर्भ्रांत होगा, मन चंचल नहीं होगा, बुद्धि निश्चयात्मक होगी, बुद्धि प्रज्ञावती विवेकवती होगी, वही तो एक आसन में बैठ पाएगा। नहीं तो एक आसन में कहां बैठेगा आदमी, जैसे ही बैठेगा शरीर ही गड़बड़ होने लगेगा, फिर शरीर थोड़ा ठहर गया तो इंद्रियां जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर आकर्षित होने लगेंगी, मन चंचल होने लगेगा। तो एक आसन को ठीक से हम सिद्ध कर पाए उसके लिए ये सहयोगी आसन है। फिर ये योग दर्शन में नहीं बताए गए, महर्षि पतंजलि ने इनको नहीं बताया, ये कहां बताए गए? ये बताए गए घेरंड संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में और दूसरे ग्रंथ, ये नाथ परंपरा में ज्यादा आसनों का प्रचार हुआ। इसको बोलते हैं हठ योग। क्या बोलते हैं? हठ योग में हमें आसन ज्यादा बताए गए। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं, हां माने सूर्य, ठ माने चंद्र, सब बोलिए हकार कीर्तितः सूर्य, कीर्तितः सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रम सूर्योगात् हठ योग निगद्यते। यह हठ योग की डेफिनेशन कह दी आपसे। अब 12 आसन सबसे पहले कराएंगे और उसके बाद रोगानुसार आसन और व्यायाम बताएंगे, ठीक है? अब ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। कोई भी आसन में बैठते हैं तो इस, ये देखो पैर सामने खोल लो, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं इसको? कोई भी आसन की शुरुआत यहां से करते हैं, ये प्रक्रिया है। अब उसकी
हाथों की उंगलियां आगे की ओर, दोनों हाथ कुल्लों के दोनों साइड में ऐसे टिके हुए, मेरुदंड पूरा सीधा, गर्दन सीधी, दोनों पैर भी सामने सीधे, दोनों पैरों की एड़िया और अंगूठे मिले भी। इस स्थिति में बैठ करके आसन शुरू करते हैं। तो कोई भी आसन शुरू करेंगे, जैसे वज्रासन शुरू करेंगे तो पैर ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे, ये तरीका होता है। ऐसे पद्मासन करेंगे तो भी यहीं से पैर ऐसे जाए, ऐसे आएगा, ऐसे बैठेंगे। कोई भी आसन शुरू किया, आपको मयूरासन भी करना है तो फिर इसी से ही, फिर ऐसे जाएंगे और फिर आगे की तरफ। माने जो भी आसन शुरू होगा तो इसको बोलते हैं दंडासन। ऐसे इसमें ही बैठ करके फिर शीर्षासन करेंगे तो इसी से ही अगला पोज बनेगा। तो ये आसनों का प्रारंभिक बिंदु है, आसनों के प्रारंभ करने की स्थिति, प्रारंभिक अवस्था, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या कहते हैं इसको? तो अब आपको आसनों का पूरा अनुशासन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आसनों का अनुशासन, अथ योगानुशासनम, है ना। तो अभी तो आपको प्रार्थना का अनुशासन बताया था थोड़ी देर, आज आपको कुछ समझ में आए कि ये जो मंत्र पाठ करते हैं उसकी महिमा क्या है। अब जैसा हमने बताया वैसा कोई मंत्र पाठ करेगा तो उसका ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो? और ध्यान लगाने में कितनी देर लगती है? एक क्षण ध्यान लगाने में कितनी देर लगती है? और फिर वो बाद में क्या होता है? फिर ध्यान की निरंतरता, बाद में क्या होता है ध्यान की? जिसका एक क्षण में ध्यान नहीं लगेगा उसका कभी भी ध्यान, जिसको एक क्षण में करेला कड़वा नहीं लगा तो इसका मतलब उसके टेस्ट करने वाले जो सेल हैं वो खत्म हो गए हैं। अब उसका, उसको करेला कड़वा, जिसको एक क्षण में सुगंध दुर्गंध नहीं आई इसका मतलब उसके, वो सुगंध दुर्गंध लेने वाले, जैसे बहुत से लोगों के गायब हो जाते हैं, जैसे हमारे साथ एक सुधीर रहता है तो उसको सुगंध दुर्गंध आती ही नहीं, तो उसको फिर कभी सुगंध दुर्गंध नहीं आएगी, चाहे उसको फूलों के बगीचे में बैठा दो, चाहे इत्र के कमरे में ठोक दो, उसको उसको नहीं आएगी। क्यों? जिसको नहीं आई उसको नहीं आई, जिसको एक बार एक क्षण में करेला कड़वा नहीं लगा तो अगले क्षण कैसे लग जाएगा। इसलिए ध्यान जब भी लगेगा एक क्षण में ही लगेगा, और एक बार लग गया तो फिर लग गया। जैसे हम लोगों का अब ध्यान लग गया तो लग गया, अब हटता ही नहीं। अब कोई कहते हैं क्यों नहीं हटता, अब इसका कोई उपाय है? जैसे किसी का नहीं लगता, लग गया तो लगेगा ऐसे ही, फिर हटेगा ही नहीं। फिर भगवान में ध्यान लगने का मतलब क्या है? फिर एक तो एकांतिक ध्यान है, फिर दूसरा भगवान में ध्यान लगने का मतलब फिर भगवान के अनुशासन में ही जीने लगते हैं हम। और भगवान के अनुशासन को मैं कितने शब्दों से कह रहा हूं बार बार? चार शब्दों से। भगवान का अनुशासन क्या है? चार शब्द क्या थे बोलो? वेद आज्ञा, आत्मा। अच्छा, अब इसको अनुशासन शब्द से बोलो, किसमें? जो भगवान के अनुशासन में रहता है ना, वो भगवान का अनुशासन कहाँ से पता लगेगा? भगवान का विधान, भगवान का विधान, भगवान के रीति नियम, भगवान का अनुशासन, भगवान का संविधान में जो जीता है वो कैसे पता लगेगा कि जी रहा है? जो भगवान के अनुशासन में रहता है, किसके अनुशासन में रहता है? वेद, वेद के अनुशासन में। और अगला बोलो, वही बात है पुराने वाली, शास्त्र के अनुशासन में, और गुरु के अनुशासन में, और आत्मानुशासन में। इतनी सी तो बात है, चार शब्द सुन लिए तो सारे सत्य आपके भीतर घटित हो जाएंगे। चलिए अब बैठेंगे वज्रासन में। अब एक एक आसन का तरीका, जिनको घुटनों में अधिक दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना। प्रत्येक योग की विधि में विधि और निषेध का भी आपको बोध होना चाहिए कि किसको यह आसन करना है, किसको नहीं करना है। नहीं करने की स्थिति में घुटनों में अधिक दर्द है तो वज्रासन में बैठ ही ना पाएगा ना। कमर में दर्द है तो आगे झुकेगा तो दर्द बढ़ जाएगा, हर्निया है पीछे झुकेगा तो वो आंत की झिल्ली और फैल जाएगी तो हर्निया बढ़ जाएगा।
तो सामान्य जो आसनों के नियम है, माताओं बहनों को पीरियड के जो 5 दिन होते हैं उस दौरान कोई कठिन आसन नहीं करने चाहिए। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी कोई भी आसन जो है विशेष रूप से कठिन आसन नहीं करने चाहिए, उनको सामान्य रूप से थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म सी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई और कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, अग्निसार आदि को छोड़ के भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि योग की क्रियाएं करनी ही चाहिए। फिर ऐसी जो जैसे पहले हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो कुछ बोलते थे बीमार आदमी को योग नहीं करना चाहिए, जिसको सर्दी जुकाम हो गया उसको योग नहीं करना चाहिए। तो बीमार का मतलब सर्दी जुकाम नहीं है, बीमार का मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी वाला नहीं है, बीमार का मतलब जिसको बुखार हो रखा है, जिसको दस्त हो रखे हैं, वो क्या योग करेगा? जिसको दस्त हो रखे हैं वो योग क्या करेगा, तो बाथरूम में जाएगा। तो ऐसा भी सुन रखा है कुछ लोगों ने कि बीमार आदमी को योग नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं शास्त्र में भी निषेध किया है। तो वो कैसी बीमारी के लिए कि कोई बहुत बीमारी से बेहोश हो गया है, अब कैसे योग करेगा, वो मूर्छा की स्थिति में है, वो तो जिसको दस्त लगे हुए वो कैसे योग कर लेगा, जिसका मूत्र रुका हुआ है अभी वो कैसे योग कर लेगा। ऐसे ये 2-3 बीमारियां जिनमें योग नहीं किया जाता है। मैं तो कहता हूं इनमें भी योग करना होता है, लेकिन उसका पता होना चाहिए कि आपको दस्त लगे हुए तो कौन सा योग करना। अब बुखार हो रखा है तो दस्त लगे हुए हैं तो उसको 5 आसन पेट के करने चाहिए। दस्त कब लगते हैं, जब हमारा नाभि चक्र गड़बड़ हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नोकासन, कंधरासन और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 7 आसन तो पेट वाले उसको भी करने चाहिए जिसको दस्त लग रहे, ठीक हो जाएंगे दस्त। अब बुखार हो गया तो क्या करे, तो बुखार हो गया है तो उसको कठिन व्यायाम नहीं करने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको यदि सर्दी जुकाम के कारण से बुखार है तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। यदि उसको गर्मी के कारण से बहुत तेज धूप लगी, गर्मी लगी और उससे बुखार हो गया तो शीतरी शीतकारी करना चाहिए। तो मैं कह रहा था बीमारों को योग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। बीमार योग करेगा, रोगी यदि योग करेगा तो रोगी निरोगी हो जाएगा, और जो निरोगी योग करेगा तो योगी हो जाएगा, और जो योगी हो जाएगा वो इस जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। ये प्रक्रिया है। जो योगी नहीं होता है वो किसी के लिए उपयोगी, उपयोगी। हमारे यहां तो योग तो सब कुछ है, योगी, उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी, राजयोगी, ये सब हमारी तो सारी संस्कृति ही योगमय है। अब 12 आसन करवा रहे हैं आपको विधि निषेध के बारे में थोड़ा संकेत करके। घुटने में दर्द है तो इसको निषेध करना ही होता है। मैंने आपको पता लग जाएगा कि ये कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि घुटने में दर्द है बहुत ज्यादा तो वो कर ही नहीं पाएगा ना इसको। अब कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हरनी है तो पीछे नहीं झुकना। अब श्वासों का क्या नियम है, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, दाएं बाएं झुकेंगे तो श्वास अंदर, ऊपर उठेंगे तो श्वास अंदर, उससे अच्छी तरह से बैलेंस बन पाता है। बस इतना ही प्रयोजन है, कोई उल्टा भी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक काम नहीं होता है। अब देखो श्वासों के नियम वाली बात आ गई, मैंने खूब ट्राई किया। अब जैसे मैं ऊपर उठता हूं तो मैं श्वास बाहर छोड़ करके भी उठता हूं तो मैंने देखा, देखो मैं आपको दोनों तरह से, अब बैठे रहिए आप, खाली आपको मैं करके बता रहा हूं। देखो मैं श्वास भर के उठता हूं तो ऐसे उठता हूं, दिख रहा है ना आपको। अच्छा, अब श्वास छोड़ के उठता हूं, पहले श्वास भर के उठा तो ये देखो ये भर गया ना, दिख रहा है ना आपको, इससे बैलेंस बना रहा। ये तो भर के उठा, अब श्वास छोड़ के उठ रहा हूं। श्वास छोड़ के कैसे उठते हैं वो भी देख लो। अभी ये श्वास छोड़ दिया,
तो श्वास छोड़ के उठा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे संतुलन अभ्यास के बाद तो बन जाएगा, सामान्य रूप से नहीं बनेगा। अब देखो मैं श्वास भर के साइड में झुक रहा हूं, तो इससे संतुलन अधिक बनता है, शक्ति देती है ना। और अब तो इसमें भी दिक्कत नहीं, तो कभी कोई उल्टा भी कर ले तो इससे कोई नुकसान नहीं है, बढ़ेगा तो पूरक हो जाएगा, छोड़ेगा तो रिचक हो जाएगा, इसमें क्या बात है। ठीक बात समझ में आई। अब अगली बात, अब आगे झुकने की बात आती है, पीछे झुकने। अब पीछे झुकेंगे श्वास भर के तो उससे संतुलन अच्छे से बन जाता है। मैंने कहा संतुलन बनाने में सहयोग होता है, श्वास भर के जब ऊपर उठते हैं साइड में झुकते हैं पीछे झुकते हैं, श्वास छोड़ करके साइड में झुके पीछे झुके ऊपर उठे तो संतुलन गड़बड़ा सकता है आपका। इतनी दिक्कत अभ्यास के बाद यदि कोई करना चाहे तो जैसे मैंने करके बताया आप कर सकते हो, लेकिन सामान्य नियम यही है, ऊपर उठो साइड में झुको पीछे झुको तो श्वास अंदर, आगे झुको तो श्वास बाहर। अब ये क्यों बताया जाता है इसमें, अब मैं मान लीजिए श्वास अंदर भर के आगे झुकता हूं तो झुक गया, लेकिन पूरा नहीं झुका जाएगा। जब आगे झुका और श्वास अंदर भरा हुआ है अब यहां रुक गया क्योंकि सांस अंदर भरा हुआ है, वापस एक बार में कितनी देर तक आगे झुके रहना है, आगे झुक करके करीब आधा मिनट तक आगे झुक करके रहेंगे। योग की जो विधि जैसे बताई जा रही है फिर उसको वैसे करना, सामान्य नियम आपको बताए अब आगे बता रहे हैं। अंगूठा अंदर उंगलियों पर मुठ्ठियां बंद, अब श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे तो ये जो मुठ्ठियां हैं यहां, अब देखो बहुत मोटा व्यक्ति है तो उससे शुरू शुरू में ये विधि ठीक से नहीं हो पाएगी, लेकिन अभ्यास के बाद वो भी कर सकता है जितना उससे बन पाए। मंडूकासन, तो आपको अभी योग की विधि बता रहे हैं और विधि में गड़बड़ होगी तो ठीक से नहीं होगा योग। तो योग की एक एक विधि को तरीके से करना है, जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आपको बता रहा था मैं, एक आसन का समय कितना है, एक मिनट से लेके पांच मिनट तक। एक बार में कितनी देर करना है, एक बार में कम से कम 15 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक, 15 से 30 सेकंड तो रुको। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे किया और 5 सेकंड में वापस आ गए, तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। कहते बाबा जी लाभ ही नहीं हुआ शुगर में, तो लाभ कैसे होगा,
पांच सेकंड किया आपने, 10 सेकंड किया, आधा मिनट करने में कैसे होता है देखो मेरे साथ। ऐसे आधा मिनट से लेकर के मैंने कहा कितनी देर तक, 1 मिनट तक एक बार में कर सकते हो। एक आसन को आप 2 मिनट तक भी लगातार कर सकते हो और एक आसन को आप 5 मिनट तक भी लगातार कर सकते हो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो शीर्षासन है वो तो हम 5 मिनट लगातार कर सकते हैं, बाकी आसन भी। अभी जैसे मैंने करीब 1 मिनट तक आपको करके बताया कि आगे झुक गए, इससे क्या हुआ, पैनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिली। तो जिनको अधिक लाभ चाहिए वो 15 सेकेंड से शुरू करके 30 सेकेंड और 60 सेकेंड्स, माने आइडियल प्रैक्टिस, एक आदर्श अभ्यास आसन का कैसा होता है, आधा मिनट से 1 मिनट कम से कम एक स्थिति में ठहरना, तो लाभ पूरा मिलेगा। ये तो मुंडूकासन के बारे में बताया। पीछे से ऐसे देखो, मुट्ठियां से मिली हुई, अंगूठा अंदर और ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ, ये नाभि के दोनों ओर लग जाते हैं ऐसे, राइट साइड में लीवर, इधर स्प्लीन, यहां पैनक्रियास, यहां फिर गॉल ब्लैडर, नीचे किडनी अंदर की साइड, फिर यही प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, ये सब इससे ठीक होते हैं। गति से क्या पैदा होती है, शक्ति, और जब आसन करते हैं तो शरीर में आकुंचन और प्रसारण। अब आगे झुकेंगे तो अंग सिकुड़ेंगे, जब उठेंगे तो अंग फैलेंगे। आकुंचन और प्रसारण से, गति से शक्ति पैदा होती है, ये आसन और व्यायाम का विज्ञान है। कैसे आसनों और व्यायामों से हम आरोग्य पाते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म मैंने आपको ऐसे कहा। एक तो ऐसे किया, फिर अब ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाएं हाथ नीचे लगाया तो जो पैनक्रियाज है उसका अधिक हिस्सा थोड़ा सा बाईं तरफ है, तो इसलिए बायां हाथ पहले लगवाते हैं। बायां हाथ ही पहले क्यों रखा, इसका हेतु बता दिया आपको। दाईं तरफ भी रख करके कर सकते हैं, माने जिसको शुगर नहीं है तो एक बार बाईं तरफ से कर लिया, एक बार दाहिनी तरफ से कर लिया, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से थोड़ा, जिस तरफ का हाथ रखते हैं ना उधर थोड़ा अधिक बल लगता है, बस इतना प्रयोजन है इसमें। अब वापस लौटो, कितनी देर आगे रुकने के लिए भूला है, कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट। आप लोगों का भी अभी अभ्यास ठीक नहीं है,
गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं। अभ्यास ठीक से करोगे तो ही अभ्यास ठीक से करा पाओगे। आपका एक मिनट तक रुकने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे जो नए साधक हैं वो तो 15 से 30 सेकंड उनको रुकवाया, मान लीजिए किसी का अभ्यास ही नहीं है तो दिक्कत क्या है? कमर में ज्यादा दर्द है तो ही तो दिक्कत ना भाई, क्यों कोई दिक्कत ही नहीं, तो रुकना ही तो है। तो रुकेंगे तो क्या होगा, उसमें श्वास भी चलता रहेगा। एक बार कोई भी आसन में एक स्थिति में चले गए उसके बाद वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। मान लीजिए आपको ऊर्ध्व ताड़ासन में ज्यादा देर रुकने के लिए कहा जाए तो वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। तिर्यक ताड़ासन में ज्यादा देर रुकने के लिए कहा जाए तो श्वास गति सामान्य हो जाएगी साइड में झुकने पर। पीछे झुकने पर आपको अधिक रुकने के लिए बोला जाए एक स्थिति में तो वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। आगे झुकने के बाद आप एक स्थिति में रुकेंगे तो वहां भी आसन की गति में श्वास सामान्य हो जाए, उस आसन की स्थिति में श्वास सामान्य हो जाएगी। ये आपको हमने श्वासों का नियम भी साथ साथ बता दिया। अब आगे झुक गए, आगे झुकने के बाद आगे रुक गए तो वहां श्वास चलते रहेंगे। अब यहां श्वास चल रहे हैं, अब जैसे आगे झुक के थोड़ी देर तो श्वास बाहर ही रुके, फिर श्वास सामान्य रूप से चलने शुरू हो, उससे आकुंचन प्रसारण और अच्छा होगा। वापस आ जाइए। अब कुछ समझ में आई बात? आगे झुकने के बाद 10-15 सेकंड तो आप बाहरी रोक के रखिए, फिर श्वास अंदर गया निकलता रहा तो क्या हुआ, तो पेट में आकुंचन प्रसारण तो हुआ उससे। तो ये सही तरीका आपको बताया किसका, मंडूक आसन का। आगे झुकने के बाद आगे रुकना तो पेट के लिए और डायबिटीज के लिए पूरा लाभ होगा इसका। 12 आसन का एक समूह, 12 आसनों का एक समूह, एक अभ्यासक्रम, एक सीक्वेंस हमने तैयार किया कि इतना भी आसन कर लें तो संपूर्ण आरोग्य के लिए और सामान्यतः रोगों के लिए पर्याप्त है। फिर विशेष अभ्यास अलग अलग प्रकार से जो तय किया हुआ आपको बताएंगे। ये एक अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास मंडूक आसन। अब इसमें कैसे नहीं करना, आगे झुकते समय फिर पीछे से कुल्ले नहीं उठाना, आगे झुकते समय फिर सिर नहीं झुकाना। सिर झुकाने से क्या होगा, देखो सिर झुका दिया तो सिर झुकाने से पेट उठ गया तो दबाव ही नहीं पड़ा पेट के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर। सिर झुकाने से पेट के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर दबाव ही नहीं पड़ता है। आगे झुक करके यदि आपने सिर उठा दिया, देखो तो पेट पर पूरा दबाव पड़ा और आगे झुक करके आपने सिर ऐसे लगा, तो ऐसे सिर लगा दिया तो पेट बीच से उठ जाता है। ऐसे सिर ऐसे सीधा रखते हैं इसलिए इसमें, फिर पीछे से ऐसे ये कुल्ले उठा दिए तो फिर भी पेट पर दबाव नहीं आया, तो फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर भी कोई प्रयोजन नहीं है।
तो पीछे से कुल्ले नहीं उठाना, आगे से सिर जमीन पर नहीं टिकाना, ठीक है। ये दो बातें इसके संदर्भ में हुई। अब अगली बात, मंडूकासन के बाद आपको जो है शशकासन बताते हैं। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठा देते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे चलते हैं। फिर हाथ ऊपर। अब दूसरी बार करना है तो इसी स्थिति से वापस आगे चले जाएंगे, आगे झुक करके आधा से एक मिनट तक आगे झुक करके रहना, हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर, पीछे से कुल्ले ना उठें, और आगे झुकने के बाद थोड़ी देर तो आप सांस बाहर छोड़ के रख देंगे, बाद में जब श्वास लेने की इच्छा तो सामान्य श्वास चलता रहेगा। फिर दोनों हाथ ऊपर, और फिर नीचे हाथ लाते हैं तो ऐसी साइड से हाथ नीचे ला करके और ऐसे रख देते हैं। ये तरीका होता है। अब मान लीजिए कोई हाथ यहां से ऐसे भी ले आता है और ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं। फिर ऐसे भी ले आते हैं, ऐसे भी रख देते हैं, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक रूपता बनी रहे इसलिए इस तरह के उपाय बताए जाते हैं, है ना। ऐसे लाए, फिर ऐसे हाथ साइड से ला करके ऐसे रख दिए। ऐसे अब कोई कह के जी ऐसे ला करके ऐसे ही वापस आ गए तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार कोई लाभ विशेष की दृष्टि से ही नहीं क्रिया की जाती है, एक रूपता के लिए भी अभ्यास किए जाते हैं कि एक ही जैसा सबका अभ्यास हो। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। तो एक रूपता बनी रहे इसलिए कई बार कुछ कुछ उपाय ऐसे होते हैं। कोई कहे कि ऐसे हाथ क्यों लाते हैं, कोई कहे कि ऐसे हाथ क्यों नहीं लाते हैं, उष्णासन में ऐसे क्यों नहीं पीछे झुक जाते हैं, ऐसे भी झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसे ही क्यों लाते हैं, अब इसके लाने में कोई विशेष बात है? कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सी चीजें होंगी कि यही पैर आगे क्यों रखते हैं, यही पैर पीछे क्यों रखते हैं। अरे भाई, कुछ चीजों का वैज्ञानिक कारण है, कुछ चीजों में कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता है। अब जैसे अब कोई कहे कि जी पहले दाहिना पैर मोड़ो फिर बायां मोड़ो, अब कोई कहे पहले बायां मोड़ो अब फिर दाहिना मोड़ो, बोले जी तो गलत करवा दिया, इसने पहले दाएं मुड़वा दिया, इसने पहले बायां मुड़वा दिया। इसमें एक रूपता तो कारण है। जैसे अभ्यासों में अधिकांशतः दाहिनी ओर से शुरू करवाते हैं तो वो एक रूपता के लिए है, उसमें कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो कई जगह यूनिफॉर्मिटी होती है कारण, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि इससे ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो आगे झुकने वाले दो अभ्यास आपको बताए, मंडूकासन और शशकासन। अब आपको वक्रासन बताते हैं। वक्रासन के लिए दोनों पैर सामने, अब दाहिना पैर मोड़ लेंगे। अब कोई कह रही जी बाईं तरफ से क्यों नहीं शुरू कर पाया? अब आपको एक एक बात सूक्ष्मता से बता रहे हैं।
बाएं तरफ से क्यों नहीं सर करा, बाएं तरफ से शुरू कर लो, इसमें कोई हानि नहीं होगी किसी भी प्रकार की। लेकिन मैं फिर ये पूछूं कि बाएं तरफ से क्यों शुरू कर रहे हो, तो एक रूपता के लिए पहले दाहिनी ओर से कर लिया, फिर बाईं ओर से कर ले। तो ऐसा सबने प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से तय कर लिया एक रूपता के लिए कि भाई कोई भी आसन पहले दाहिनी तरफ से कर लेंगे, फिर उसको बाईं तरफ से कर लेंगे, ऐसा। ठीक है, अब दाहिना पैर मोड़ा, अब बाएं पैर सीधा रहना चाहिए। कुछ लोग दाहिना पैर मोड़ते हैं, बाएं पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, दोनों हाथ ऐसे रहेंगे। अब बाएं हाथ ऐसे डाला, जिसका शरीर मोटा है उसका हाथ यहीं तक रह पाएगा, तो वो ऐसे ही घूम जाए, ऐसे पैर को दबाए। जिसका शरीर पतला है वो अपने हाथ को यहां रख लेगा थोड़ा। ये वक्रासन का तरीका जो शास्त्र में लिखा हुआ है, फिर अनुभव से पता लगा कि इस हाथ को यहां रखने से पूरा घुमाव नहीं आता, तो फिर क्या किया हमने, इस हाथ को यहां रखने के बजाय ऐसे घूमने से भी देखो ऐसे घूमते, तो इसमें देखो देखो पेट में बल पड़ता है पूरा, तो पेट का, पीठ का, पेनक्रियास का, लिवर का, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, सबका पूरा व्यायाम तो हो रहा है। अब इस की बजाय यदि यहां ऐसे पकड़ लेते हैं तो और ज्यादा घुमाव आता है, करके देख लो, एक्सपीरियंस करके देख लो, अनुभव करके देख लो। पूरी कमर निचोड़ सी जाती है, जैसे निचोड़ देते हैं ना कपड़े को, गीले कपड़े को, भीने कपड़े को जैसे निचोड़ देते हैं, ऐसे पेट को पूरा निचोड़ दिया, पेनक्रियास को पूरा निचोड़ दिया, ऐसे कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर क्यों देखते हैं, इससे पूरा बल पड़ता है ना, फिर पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, ऐसे। कुछ समझ में आया, छोड़ दीजिए। फिर ये पैर सीधा कर दिया ऐसे, फिर बाएं पैर में मोड़ लिया ऐसे, फिर यहां तो ऐसे पंजे के बराबर में भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मैंने कहा। और जिनका शरीर मोटा है तो फिर वो तो ऐसे ही कर पाएंगे ना, खाली इतना ही। अब कोई कहेगा जी अब मोटा आदमी तो इसको ठीक से कर ही नहीं पा रहे, फिर जितना कर पाए उतना ही कर सकेगा ना। और पकड़ना कहां से है, यदि पकड़ना है तो घुटने के ऊपर से पकड़ना है, कोई यहां पिंडली को नहीं पकड़ना, घुटने के ऊपर से, देखो ये ऐसे यहां से पकड़ा, घुटने के ऊपर से पकड़ा और फिर घूम गए ऐसे, श्वास छोड़कर के घूमते हैं तो अधिक घूम सकते हैं, श्वास भर के रखेंगे तो पूरा घूम ना पाएंगे, क्योंकि फिर वो एयर का प्रेशर होता है ना अंदर, वो एयर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो अच्छे से घूम पाएंगे। देखो ऐसे फिर इस स्थिति में रुके तो फिर श्वास की गति सामान्य होती है, लेकिन एक बार श्वास लिया फिर छोड़ दिया, फिर पैर सीधा कर दिया। कितनी देर रुके, करीब आधा से एक मिनट कम से कम। तो ये पेट के लिए भी पीठ के लिए भी लाभकारी होगा, ये एक स्थिति में ऐसे रुकने का अभ्यास होना चाहिए। अब 12 आसनों का जो क्रम है संपूर्ण आरोग्य के लिए, बहुत प्रकार के आसन है, उसमें 12 आसन भी यदि ठीक से कर लिए जाएं तो संपूर्ण आरोग्य के लिए पर्याप्त है। तो पेट के लिए, पीठ के लिए साथ साथ आसन चल रहे हैं, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए। अब बायां पैर मोड़ लेंगे, दाहिना उसके ऊपर रख लेंगे। अब इसमें आप कहेंगे पहले तो दाहिनी तरफ से करा रहे थे, बायां क्यों मुड़वा दिया। अब इसमें ये वो हाथ तो दाहिना ही आया ना ऊपर, तो दाहिनी तरफ से ही है ये दाहिनी तरफ से ही गिना जाएगा। नीचे से पैर मुड़ा है बाईं तरफ से यद्यपि, लेकिन ऊपर तो दाया ही है ना, तो ये दाईं तरफ से गिना जा रहा है ऐसे।
देखो ये अब कैसे बैठना, जो भारी भरकम है वो तो पैर मोड़ के बैठ पाएंगे, जो हल्के हैं वो पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे। अब बैठने के तरीके में जिसका जैसा सामर्थ्य, ये अब भारी शरीर है तो इससे ज्यादा वो मोड़ ही नहीं सकता ना, हल्का शरीर हमारी तरह से तो एड़ी एनस के पास लग जाती है, एनस के पास एड़ी लग गई, घुटने पर घुटना आ गया, और पैर देखो ये पैर ऐसे लग गया, ये स्थितियां बनती हैं। एक एक स्थिति को ध्यान पूर्वक करना होता है, पैर कहाँ होंगे, हाथ कहाँ होंगे, सिर किस स्थिति में होगा, श्वास की स्थिति क्या होगी, और आंखों की स्थिति के बारे में सामान्य नियम बता देते हैं, दो हैं। प्रारंभ में तो आंख खोल के ही करना, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। बाद में जब कोई भी आसन करने का अभ्यास पूरा हो जाता है तो फिर आंख खोलने की इच्छा नहीं होती, तो चाहे शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांग आसन कर रहे हैं, बंद आंखों से भी आसन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे किसी विशेष आसन में आंखों की भी विशेष स्थिति बोली जाती है कि जब आप सर्वांग आसन कर रहे हैं तो पैर के अंगूठे को देखिए, जब शीर्षासन कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कर लीजिए, खुली आंखों से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो आंखों की स्थिति सामान्यतः खुली हुई रहनी चाहिए। कोई एकांत में अभ्यास कर रहा है तो बंद आंखों से भी आसनों का अभ्यास किया जा सकता है, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बंद आंखों से करता हूं तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि अभ्यास में कर रहा हूं तो मैं बंद आंखों से और मन शांत हो जाता है। लेकिन आप खुली आंखों से ही कीजिए। तो आंखों की स्थिति बता दी, पैर की स्थिति, ये पैर की एड़ी ऐसे जंघा से लगी हुई, देखो विपरीत पैर के जंघा से ऐसे लगी, घुटने पर घुटना, ये सही स्थिति है, ये एकदम ठीक स्थिति। अब जो रोगी हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए है जो युवा हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे सिखाएंगे, घुटने पर घुटना, एक पैर की एड़ी नीचे एनस के साथ लगी हुई, दूसरे पैर की एड़ी दूसरे पैर की जंघा के साथ लगी हुई, ये स्थिति, एक हाथ ऊपर से उठाया दूसरा हाथ पीछे से लिया, ऊपर वाले हाथ की कोहनी कान और सिर से टच करती हुई, पीछे वाला हाथ ऐसे लेकर के फिर ऐसे पकड़ के रखेंगे, ये स्थिति बनी। अब बात समझ में, बच्चों को ऐसे बताएंगे, युवाओं को ऐसे बताएंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति उनको ऐसे बताएंगे। अब माना कि रोगी है तो उसे जितना बन पाए उतना कर ले। दो स्थिति है आसन की, एक पूर्ण स्थिति और एक यथासंभव स्थिति। पूर्ण स्थिति निरोगी व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, युवा के लिए, और यथासंभव स्थिति रोगी के लिए। अब रोगियों को, कुछ ऐसे भी योगी हुए हैं रोगियों को भी ठोक ठाक करके करवाते थे, हाँ, अब रोगी है उसको ठोक ठाक करके, नहीं हाथ पकड़ में आ रहा तो खींचा, खींच खींच पकड़, मन लगे हुए, रगड़ा पट्टी चल रही है, ये ठीक नहीं है, तुमने ठीक नहीं किया है। फिर उनको जो है गाली गलौज तक करते थे, फिर उनको लात मारते थे, फट ऐसे मारते थे लात। अब मान लीजिए उससे पवन मुक्तासन हो नहीं रहा तो ऐसे उसके ऊपर बैठ जाता था कि योगी यहीं पड़ गया ऊपर, ये स्थिति आदर्श नहीं है। ठोक ठोक ठाक करके नहीं कराना, ये ठोका ठाकी योग में नहीं होती है। हाँ, वो लोगों ने हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग कर रखा है, ऐसे नहीं होता है। कई लोगों को हमने देखा जो है चक्रासन नहीं हो रहा, भाई जितना हो रहा है उतना ही तो उठेगा ना, उसको जबरदस्ती बीच में से पकड़ के उठा रहे। अब आगे अब देखो कैसे करवाते, अब मैं एक आपको अभ्यास बता रहा हूं, ये तो बीच में कि कैसे नहीं करवाना। अब जैसे ये इसकी आदर्श स्थिति क्या है, पश्चिमोत्तान आसन की, ये बीच इन 12 आसनों में हमने सम्मिलित नहीं किया क्योंकि हो नहीं पाता है लोगों से,
99% लोग नहीं कर पाते, तब हमने उसको अवॉइड ही कर दिया। फिर हमने सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो फिर पश्चिमोत्तानासन के आदर्श स्थिति यह है, ऐसे हाथ उठाए, पहली अंगुली से अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ लिया, श्वास बाहर छोड़ा और आगे झुक गए, कोहनिया जमीन पर, माथा घुटनों से लग गया। यह आदर्श स्थिति थी। अब वापस आ गए, अब ठोका ठोकी कैसे की, ऐसे कर रहे थे, अब योगी जी महाराज आए, उसके यहां बैठ गए, यहां बैठ के और उसको दबाया, झुक, गुरु जी नहीं झुका जा रहा, मर गया, झुक, अब ऐसे चल रहा है और झुका रहा है और मर दिया ऐसे, उसको ऐसे मैंने जबरदस्ती उसको तोड़ दिया। ये ठोका ठाकी बहुत चलती थी योग में, ये ठीक तरीका नहीं। हां, उसको बोलो प्रयत्न करो तो थोड़ा करेगा, तो ऐसे करेगा और करेगा और करेगा, करता करता मान अपने आप सहज रूप से यदि वो झुक गया तो ठीक है, जबरदस्ती ऊपर से वेट डाल करके ये ठीक नहीं। इसलिए आसन क्या कहा महर्षि पतंजलि ने, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो किया जाए वो आसन है, दुख दे करके आसन नहीं करवाना, स्थिर सुखम आसनम। प्रयत्न को शिथिल करके भगवान के साथ एकाकार होकर सहज होकर के करो, ततो द्वंद्व अनभिघात है। तो चलिए, आपको समझ में आया, एक तरफ से करवाया था, अब दूसरी तरफ से दाएं पैर मोड़िए, अब बाएं पैर ऊपर रखिए। अब जो मोटे हैं, मैंने कहा रोगियों को कैसे करना है, यथा संभव सही स्थिति बनाने का। जो निरोगी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए पूरी स्थिति, दाहिने पैर की एड़ी एना से लगी हुई, बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा से लगी हुई, देखो ये स्थिति, ऐसे घुटने पर घुटना, घुटने पर घुटना, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई, फिर यह हाथ ऊपर उठाया, फिर दूसरा हाथ पीछे से लिया और पीछे से ऐसे पकड़ा, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, यह स्थिति बनेगी। अब कुछ ऐसे ऐसे रखते हैं, देखो ये गलत है, अब ऐसे हाथ रख दिया, ये को मतलब नहीं हुआ ना, अब इसको तो रोगी भी रख सकता है ऐसे, पैरों की स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पैरों की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं बन पाएगी। ये ऊपर हाथ कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, और अब इसमें दृष्टि कहां रखनी है, दृष्टि सामने रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आंखों की स्थिति के बारे में मैंने क्या कहा आपसे, सामान्यतः आंखें खुली रहती हैं, फिर दृष्टि जहां सिर रहता है वहां दृष्टि रहती है, सामान्य रूप से सिर की स्थिति है तो सामने आंखें, भुजंगासन में गर्दन ऐसे ऊपर उठती है तो ऊपर की तरफ आंखें, जिसमें आगे की तरफ झुकते हैं पश्चिमोत्तानासन में तो दृष्टि नीचे की ओर होगी। तो सामान्यतः जैसे सिर की स्थिति वैसे ही आंखों की स्थिति, आंखें खोल के भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अब यह आसन है तो इसमें सांसों की स्थिति कैसे होगी बताओ, जब शरीर की स्थिति सामान्य तो सांसों की स्थिति भी, और एक स्थिति में जाने के बाद दाहिनी तरफ झुके, बाईं तरफ झुके, पीछे की ओर झुके, आगे की ओर झुके, एक अवस्था में जाने के बाद में भी सांसों की गति सामान्य हो जाती है। ये योग के नियम है, योग का यह अनुशासन है, योग की ये मर्यादा है, योग की ये परंपरा है, योग की ये विधि है। खैर, एक एक आसन को आवृत्ति के हिसाब से कितनी बार कर सकते हैं, 5 बार से लेकर के 15 बार तक कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में
विशेष आसनों का अभ्यास आधा घंटे तक भी किया जा सकता है। हमारे कुछ मित्र थे, वो आधा आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे। पहली बात, आपके पास में समय हो, दूसरी बात उसकी आवश्यकता हो, तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम की तरह आसनों का अभ्यास भी 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट और आधा घंटे तक भी कर सकते हो। जैसे मैं रोगोपचार की दृष्टि से भी कह रहा हूं, ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं, गहरी हैं और अनुभव की है। जैसे किसी को मेरुदंड का रोग है, वो 5 आसन या 12 आसन जैसे हम बताते हैं अलग अलग स्थितियां, उन आसनों को एक एक घंटा भी कर सकता है, एक एक घंटा सुबह शाम भी कर सकता है। किसी को मोटापा है तो एक एक आसन को 5-5 मिनट 10-10 मिनट भी कर सकता है, वो जो भी बताएंगे आपको। किसी को इनफर्टिलिटी है, वो सर्वांग आसन या शीर्षासन 5 मिनट से शुरू करके आधा आधा घंटा भी कर सकता है। रोगोपचार की दृष्टि से या साधना विशेष की दृष्टि से, जैसे मैंने बार बार संकेत किया, कपालभाति अनुलोम विलोम SLMS ऑटोमेन डिजीज, माने व्याधि को मिटाने के लिए और किसी को समाधि लगाने, कुंडलिनी जागरण करना है, तो आधा आधा घंटा एक एक घंटा अभ्यास कर सकता है रोगी भी और योगी भी।